एक, गणतंत्र दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 29 नवंबर, डी 26 जनवरी। आपका जवाब है डी 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है? ए इस दिन देश आज़ाद हुआ था, बी इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, सी इस दिन संविधान लागू हुआ था, डी इस दिन भारत को देश का दर्जा दिया गया था। आपका जवाब है सी इस दिन संविधान लागू हुआ था। तीन, भारत में संविधान लागू होने से पहले किस कानून के तहत शासन चल रहा था? आपके ऑप्शंस है ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1942, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। आपका जवाब है ए भारत सरकार अधिनियम 1935। चार, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए 3 अक्टूबर 1949 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 12 दिसंबर 1949 को, डी 10 जनवरी 1950 को। आपका जवाब है बी 26 नवंबर 1949 को। पाँच, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? आपके ऑप्शंस है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका जवाब है सी 3। छह, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? आपके ऑप्शंस है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका जवाब है बी महात्मा गांधी। सात, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? आपके ऑप्शंस है ए 11, बी 15, सी 19, डी 22। आपका जवाब है डी 22। आठ, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? आपके ऑप्शंस है ए चलैया समिति, बी अंबेडकर समिति, सी प्रारूप समिति, डी निर्माण समिति। आपका जवाब है सी प्रारूप समिति। नौ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी प्रेम बिहारी, सी शकुंतला दास, डी अरविंद पटेल। आपका जवाब है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दस, भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपका जवाब है बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 11, जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए संविधान दिवस के रूप में, बी अंबेडकर दिवस के रूप में, सी लोकतंत्र दिवस के रूप में, डी प्रारूप दिवस के रूप में। आपका जवाब है ए संविधान दिवस के रूप में। 12, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? आपके ऑप्शंस है ए इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, बी इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने अंतरिम संविधान तैयार किया था, सी इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता स्वीकार की थी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जवाब है ए इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 13,
1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह, बी राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक, सी राष्ट्रपति सुकर्नो, डी राजा नोरोडोम सेहनोक। आपका जवाब है सी राष्ट्रपति सुकर्नो। 14-26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह की बंदूक की सलामी गन सलूट दी गई थी? आपके ऑप्शंस है ए 51 बंदूकों की सलामी, बी 21 बंदूकों की सलामी, सी 11 बंदूकों की सलामी, डी 19 बंदूकों की सलामी। आपका जवाब है बी 21 बंदूकों की सलामी। 15 राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस है ए सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, बी महात्मा गांधी के चरखे के पहिए से, सी भागवत गीता में समय का संकेत करते हुए पहिए से, डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका जवाब है ए सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।